नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के करीबी नेता बताए जाते हैं अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी की वजह से जेडीयू के अंदर बवाल और भूचाल की स्थिति लगातार दिखाई दे रही है। पार्टी के कई बड़े नेता अशोक चौधरी से नाराज बताए जाते हैं और खासकर जो कल की मीटिंग के बाद खबर आ रही है उससे तो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अशोक चौधरी से पार्टी के कम एक बड़े नेता तो नाराज हैं ही। और पार्टी के जो बड़े नेता नाराज हैं, उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई पार्टी की बैठक के अंदर भी, पार्टी की मीटिंग में भी अशोक चौधरी को लेकर नाराजगी जताई। दरअसल कल जेडीयू की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था, पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक थी और इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल थे। अशोक चौधरी, संजय झा, मनीष वर्मा, नीरज कुमार, पार्टी के तकरीबन तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। विजेंद्र चौधरी ने तो धमाका कर दिया ये कहकर कि भाई मैं तो पार्टी में हूं ही नहीं, मुझे क्यों बुलाया गया है। बाद में उन्होंने अपने बयान पर उतर लिया, कहा कि मैंने मजाक किया था। लेकिन विजेंद्र चौधरी यही नहीं रुके। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि विजेंद्र यादव जो बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं, जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं, तो पहले उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो पार्टी में हूं ही नहीं, मुझे क्यों बुलाया गया है पता ही नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने मजाक किया था। हालांकि विजेंद्र यादव ने मजाक किया होगा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन उनकी नाराजगी यही खत्म नहीं हुई। पार्टी की बैठक में उन्होंने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला, ऐसी बात मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है। विजेंद्र यादव ने यह कहा कि कुछ लोग विज्ञापन छपवाते हैं, विज्ञापन छपने छपाने का काम करते हैं, छपने छपाने से अच्छा है कि आप गरीब बस्तियों में जाइए, गरीब लोगों के बीच जाइए, तो इससे पार्टी का भला होगा। पार्टी में गुटबाजी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। दरअसल अशोक चौधरी ने आज से 3 दिन पहले एक विज्ञापन छपवाया था जिसमें उन्होंने मेरा नेता मेरा अभिमान अभियंता दिवस के अवसर पर यह विज्ञापन था, मंत्री जमा खान की तस्वीर, मदन सहनी की तस्वीर, जयंत राज की तस्वीर और सुमित कुमार सिंह की तस्वीर लगी हुई थी। इन चारों मंत्रियों की तस्वीर और अशोक चौधरी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। अब इसको लेकर भी आपत्ति जताई। जो बात मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि विजेंद्र यादव ने इसको लेकर भी आपत्ति जताई, कहा कि पार्टी में गुटबाजी हो रही है, गुटबाजी को कम करना होगा, छपने छपाने से ज्यादा काम पर ध्यान देना होगा, गरीब बस्तियों में जाना होगा। हालांकि उन्होंने अशोक चौधरी का नाम नहीं लिया, लेकिन अशोक चौधरी उनके निशाने पर थे, ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है। उनके बयानों से भी ये बात साफ हो रहा है कि उनका इशारा किस तरफ था, उनका निशाना किस तरफ था। तो कम से कम ये बात कही जा सकती है कि पार्टी की बैठक के अंदर से अगर ऐसी बात सामने आ रही है तो जेडीयू में तो ऑल इज नॉट वेल है, जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।